fact, there are so many scenes which, if I have to answer your question, if I don't like, they are yet to be made. इनके केस के बारे में नहीं बल्कि इनके इंजन के बारे में बात करना चाहता हूँ. तो ये मुझे अलग तरीके से देखने लगे. तो उन्होंने कहा कि काश तू मेरे एक टीम का मेंबर होता. और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और फिल्म अगर फौरन डायरेक्ट करूँगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना फालतू डायरेक्टर हूँ. जिस तरीके से शाहरुख साहब ने माफ़ी मांगी है और जो सिंसियरिटी के साथ उन्होंने मांगी है. Why would you ask him that question? Sir, answer. No, I personally liked every scene. In fact, there are so many scenes which, if I have to answer your question, if I don't like, they are yet to be made. अच्छा, आपको best compliment क्या मिला नंबी सर से जब आपने फिल्म दिखाई और क्या कहा उन्होंने आपसे? नंबी नारायण साहब का पहले बात तो respect जीतना बहुत बड़ी बात है. और फिर उनके साथ उनको ये कन्विंस करना कि मैं उनके साइंस के बारे में समझ पा रहा हूँ, वो उससे भी बड़ी बात है. पर जब मुझे इनको ये बताना पड़ा कि मैं इनके केस के बारे में नहीं बल्कि इनके इंजन के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो ये मुझे अलग तरीके से देखने लगे. इनको लगा कि एक एक्टर जो है ये मेरे लिक्विड फ्यूल इंजन के बारे में क्या बताएगा और कैसा जानेगा, इसको मैं कैसे समझाऊँ. तो ये सब चीज़ों को पार करने के लिए जो मुझे कन्विंस करना पड़ा नंबी साहब को कि मैं साइंस के बारे में जानता हूँ. तो एक टाइम पे इन्होंने आके मुझे कहा, जब मैंने उनको अपने साइंस के बारे में और इनके समझ मतलब जो इनकी टेक्नोलॉजी को समझने में मैंने इनको कन्विंस किया, तो उन्होंने कहा कि काश तू मेरे एक टीम का मेंबर होता. तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था. सर, उनकी किताब भी आई थी जिसमें मैंने पढ़ी है पूरी किताब, पर उसमें अचीवमेंट का ही नहीं दिखी थी मुझे वो किताब. बट मैंने ये जब मूवी देखी, अचीवमेंट काफ़ी सारी दिखी उनकी. तो सर, आपका कई हद तक ये गोल था कि अचीवमेंट दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द वे पीपल लुक एट हिम. अचीवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनने मूवी में काफ़ी सारी अचीवमेंट मैंने देखी मूवी की. तो क्या आपका भी सेम मोटो था कि अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारा फिल्म का टैगलाइन था कि समटाइम्स अ मैन रॉन्ग इज अ नेशन रॉन्ग. जब तक ये नहीं पता चलेगा कि इनका इनके साथ जो सलूक किया गया वो हमारे देश को किस तरीके से बर्बाद कर दिया, या हमारे रॉकेट इसरो और हमारे जो रॉकेट साइंटिस्ट इस केस के वजह से कितना मतलब उनको बाधा पहुंचा है, ये हम नहीं दिखाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हमने किन के साथ ये किया. और ये हमारे लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि ये खुद ही नहीं बात कर रहे थे अपने अचीवमेंट के बारे में. तो मैंने कहा कि अगर मैं इनके अचीवमेंट को नहीं बताऊँगा तो पूरी दुनिया को ये तो नहीं पता चलेगा कि किसके साथ अन्याय हुआ. इसीलिए मैंने 90% ऑफ द फिल्म इनके अचीवमेंट के बारे में. माधवन सर, लास्ट क्वेश्चन, आपने नंबी सर से तो फिल्म बना ली, इनके अचीवमेंट और जो भारत की ग्लोरी को आपने दिखा ली, ऐसी अब कौन सी एक पर्सनैलिटी है जिसका आप फिल्म बनाना चाहेंगे, या आपके जहन में ये ख्याल है कि बनाना चाहिए उनको भी, उनके बारे में बताना चाहिए, ऐसी कोई पर्सनैलिटी है कोई फिल्म में काम कर रहे हैं? देखिए, मैं तो नहीं कर रहा अभी क्योंकि मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ. और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और फिल्म अगर फौरन डायरेक्ट करूँगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना फालतू डायरेक्टर हूँ. ये डर है मुझ में क्योंकि ये कहानी कैसे बन गई ये खुद मुझे नहीं पता. लेकिन नंबी नारायण साहब खुद कहते हैं कि इस देश में ऐसे बहुत सारे नंबी नारायण हैं जिनके बारे में कहानी बताना ज़रूरी है और जिनके बारे में पिक्चरें बनना ज़रूरी है. मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जल्दी बहुत सारी कहानियाँ बाहर आएंगी. चलिए, बहुत सर, शाहरुख सर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा. पूरा ओवरऑल जो हमने देखा इंटरव्यू में पूरा मूवी की, शाहरुख सर का किरदार कितना आपको अच्छा लगा? जब हम करते सीन वो डिफरेंट लगता है, बट हम जब स्क्रीन में देखते काफ़ी अलग किरदार लगता है. सर, हाउ ब्लेस यू आर टू हैव अ शाहरुख सर इन दैट मूवी? तो जिस तरीके से शाहरुख साहब ने माफ़ी मांगी है और जो सिंसियरिटी के साथ उन्होंने मांगी है, मुझे लगता है कि पूरा देश उसी तरीके से माफ़ी मांगना चाह रहा था नंबी नारायण साहब. और नंबी नारायण साहब, मुझे लग रहा था कि थोड़ा नर्वस होंगे शाहरुख के साथ एक्ट करने में, पर ये तो एकदम रॉकस्टार निकले और उन्होंने एकदम सामने खड़े होकर जो परफॉर्मेंस दिया आपने देखा ही है. तो पिक्चर रिलीज़ होने से पहले मैंने कहा था कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं लेकिन हमने इस फिल्म में ऐसे कई चीज़ें की हैं दुनिया में पहले कभी नहीं किया हो. वो सारी चीज़ें आपने आज देख ली होंगी. तो वन ऑफ दैट इज़ गेटिंग शाहरुख टू बॉडी. थैंक यू सो मच.